नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। आज 3 मई 2022 है और आज अक्षय तृतीया भी है। दर्शकों, आज का दिन शास्त्रों में भी काफी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें विष्णु का उग्र अवतार माना जाता है। उन्होंने श्री राम से पहले धरती पर अवतार लिया था। कहते हैं कि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। परशुराम आज भी मौजूद हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं परशुराम की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम को विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार माना जाता है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे। जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। उन्होंने पुत्र के लिए एक महान यज्ञ किया था। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया था और फिर अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम ने जन्म लिया। ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने अपने पुत्र का नाम राम रखा था। राम ने शस्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया था। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर अपना फरसा यानी परशु दिया था, जिसके बाद वो परशुराम कहलाए। परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है, यानी कि वो आज भी जीवित हैं। उनका जिक्र रामायण और महाभारत दोनों काल में किया जाता है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब विष्णु के कल की अवतार जन्म लेंगे तभी परशुराम आएंगे। कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रिय कुल के हे वंश का 21 बार नाश किया था। महाभारत काल में उन्हें भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। सतयुग के दौरान भी उनकी एक कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक वो एक बार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। इससे गुस्सा होकर परशुराम ने गणपति का एक दांत तोड़ दिया। वहीं रामायण काल में भी उन्होंने राजा जनक राजा दशरथ परशुराम का सम्मान करते थे। दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अक्षय तृतीया से जुड़ी हर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए भक्ति वंदना। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए माँ त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। माँ त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी माँ त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।